गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ साधन और मेरे साथ हैं डॉक्टर अर्पना। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने रोड ट्रिप पर निकले हुए हैं और आज है हमारा डे 3। कल हमने ट्रैवल किया था नैना देवी जी से उधमपुर तक, आज अभी हम उधमपुर में रुके हुए हैं। उधमपुर में एक हमारे फ्रेंड के गेस्ट हाउस में हैं। इट इज़ रियली नाइस, कोजी लिटिल, बढ़िया सा है। इट्स टोटली होम एटमोसफियर, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। खाना वाना जो है वो भी पूरा आंटी ने बनाया, हमको सर्व किया। इट वॉज रियली नाइस, बहुत बढ़िया खाना था। और तो हम यहाँ रुके हुए हैं एंड वी आर रियली टायर्ड, मतलब मेरे तो जो काफ मसल्स हैं इट्स रियली पेनिंग। और आई डोंट नो, आज हमें चढ़ाई करनी है, हम कैसे कर पाएंगे, या करना तो पड़ेगा, अब देखते हैं लेट्स सी कि कैसे करते हैं एंड काफ का क्या होता है। और आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या आपके हाल है? नहीं, मुझे तो एज सच अभी कोई प्रॉब्लम, बिकॉज मैं तो गाड़ी में मैं बैठी ही थी, साधन ही ड्राइव कर रहे थे, तो अभी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट अगेन बच्चे हैं साथ में, तो देखते हैं हम लोग कटरा पहुंच के कि क्या ऑप्शन है। वैसे वहाँ पे जैसे ऑटो वगैरह भी चलते हैं, ऑल्दो मैंने नहीं ऑटो वगैरह कुछ वहाँ देखा है, क्योंकि मैं लास्ट आई थी, मतलब हम दोनों आए थे शादी के बाद, हम लोग आए थे आई थिंक 2007 में, हमारे 2007 के बाद हम लोग नहीं आए। दिस विल बी माई 6th टाइम, ऑल्दो कि मैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ, 2007 के बाद नहीं आए हैं। और काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, मैंने सुना है रास्ते भी शायद अलग हो गए हैं। और जो मेनली अर्धकुंवारी तक की जो चढ़ाई है, या शुरू के जो 2-3 किलोमीटर है, वो बहुत लाइक स्टीप है, तो वो चढ़ने में बिल्कुल एफर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और बीच में अर्धकुंवारी, फिर माता रानी का दर्शन, और फिर भैरव बाबा भी है, तो अभी देखते हैं, क्योंकि भैरव बाबा और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे होगा भवन से, तो वहाँ जाके ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या है लाइक। ऑल्दो प्रेफर करेंगे हम लोग कि हम पैदल ही चढ़ाई करें, पर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या क्या है, या क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी है ऑटो वगैरह की, वो भी देखना पड़ेगा। एंड जैसा कि साधन ने बताया कि यहाँ पे हम लोग आए रहे तो इतना अच्छा फील हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जर्नी में आप लोग हैं तो वो जो घर का एटमॉस्फेयर, या स्पेशली घर का बना हुआ खाना, या माँ के का खाना, जो वो एक फील होता है ना, वो मिला कल, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रिलैक्सिंग लगा। तो अभी भी बिल्कुल हम बहुत ही रिलैक्स मूड में हैं, अभी बहुत जल्दी जल्दी। ऑल्दो वी आर वेरी टायर्ड, वी आर वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द चढ़ाई माता रानी के दरबार तक का। तो चलिए तैयार होते हैं, हम रेडी होते हैं फटाफट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बस अभी सो के उठे हैं, अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं, चाय भी नहीं पी और वी आर प्लानिंग कि 9 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएं। तो लेट्स सी, जब हम निकलते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, ये देखिए, ये बाहर का व्यू है बालकनी से हमारे जो गेस्ट हाउस जहाँ हम रह रहे हैं। ये बालकनी है, बहुत बड़ी बढ़िया बालकनी है, और सामने बहुत ही सुंदर लॉन भी है विद पाइन ट्रीज। मौसम भी बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो फ्रेंड्स, हम रेडी हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में, बस फटाफट हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, बढ़िया बढ़िया पराठे हैं। ठीक है, तो फटाफट हम ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं, फिर रास्ते में मिलते हैं। तो हम कटरा पहुंच गए हैं, अब हम ऑटो से जा रहे हैं जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। ये हमारे ऑटो वाले भाई साहब हैं, तो भाई साहब बताइए जरा, पहले तो अपना नाम बताइए और बताइए कि कितना दूर है यहाँ से, क्या है और कैसे चढ़ना सबसे सही रहेगा हमारे दर्शकों को। देखो जी, ये मेरा नाम बलबीर सिंह है, इसमें बड़ा खर्चा कुछ नहीं है इसमें, मतलब जो घोड़े होते हैं जिसमें लोग जाते हैं, हाँ, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे। और आपको वो सब जो घोड़े की बीट और वो सब होती है,
वो सब कुछ नहीं मिलेगा, साफ सुथरा रास्ता मिलेगा। साफ सुथरा रास्ता बोलने का मतलब ये है। जैसा आप देख सकते हैं ये राइट साइड में ये है जो हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये पूरा रास्ता यहाँ से लेकर ऊपर तक शेड शेड से कवर्ड है, कवर्ड है ना। ये कहूँगा घोड़ा चाहिए तो फिर आप बाणगंगा से जाइए, अगर घोड़ा नहीं चाहिए तो फिर आपको ये वाला कम्फर्टेबल रास्ता ही। अगर पूरा चढ़ाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ द मोर कम्फर्टेबल वन, आराम से यहाँ पे छाँव छाँव में आप चढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर हम चढ़ाई शुरू करेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे भवन के रास्ते में, अब हम चढ़ाई शुरू करेंगे अपनी। तो ये नया रास्ता है, पूरा कवर्ड है, शेड है। ये भवन की तरफ का रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं, और ये जो दूसरा रास्ता है ये बाणगंगा की तरफ जा रहा है। तो चलिए चढ़ाई शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो हमने चढ़ाई शुरू कर ली है। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? सो ये जो नया वाला रास्ता है चढ़ाई का, ये काफ़ी बढ़िया है, एकदम नया, साफ सुथरा, कवर्ड है, शेड है, बैठने की जगह, प्लस रिफ्रेशमेंट के लिए भी अरेंजमेंट है। सो इट्स रियली गुड। अभी हमने वॉशरूम भी यूज़ किया था, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन था। तो आप लोग अगर आते हैं तो इस रास्ते को यूज़ कीजिए, हम यही रिकमेंड करेंगे। ऐसे वाटर पॉइंट भी हैं, वाटर एटीएम अभी चालू नहीं हुए हैं बट जल्दी ही चालू हो जाएंगे। नए रास्ते में ये काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, टॉयलेट वगैरह भी है और साफ़ सुथरे हैं और छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट के जगह भी हैं। ये देखिए एक छोटा सा पार्क टाइप का भी बना रखे, अगर आप ज़्यादा थक जाएँ यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। हम अब एक और रिफ्रेशमेंट पॉइंट में पहुंच चुके हैं, देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है और यहां से बाहर का व्यू भी बहुत ही शानदार है। काफ़ी लोग बैठ के यहां पे अपना रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। यहां से कितना बढ़िया व्यू है पूरे कटरा सिटी का, वेरी नाइस। और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे ये लंगर हो रहा है, माता रानी का लंगर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो कि फ्री लंगर है। आइए अंदर चलते हैं। जैसा कि आपने देखा, अंदर हमें कैमरा नहीं ले जाने देगा, तो बेसिकली अंदर की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, बट लंगर जो था वो बहुत शानदार लंगर था, और लंगर में चने की दाल थी, राइस था और पेठे की सब्जी जो होती है वो थी, विच वॉज़ रियली वेल, रियली गुड, रियली नाइस। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर एक बार लंगर ट्राई कीजिए, आपकी आधी थकान दूर हो जाएगी।